हेलो एवरीवन, अंदर की नमस्कार। वेलकम टू नॉर्थ ओपिनियन ऑन साउथ मूवीज। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साउथ सिनेमा से रिलेटेड न्यूज इस चैनल पर मैं लेके हमेशा आता रहूँगा। और अगर आप लोग साउथ सिनेमा के फैन हैं या साउथ सिनेमा आप लोगों को पसंद है, साउथ का सिनेमा आप लोगों को पसंद है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं साउथ सिनेमा से रिलेटेड हर तरह का न्यूज, मूवी रिव्यू और ट्रेलर रिव्यू और न्यूज इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने हॉलीवुड में DC यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, बट फाइनली अब हमारे इंडिया में भी 2 सिनेमेटिक यूनिवर्स रेडी हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। उसमें से फर्स्ट है लोकेश कनकराज सिनेमेटिक यूनिवर्स, लोकी यूनिवर्स, जिसके बारे में आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। और दूसरा है KGF यूनिवर्स, जिसपे प्रशांत नील ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में लोकेश कनकराज के सिनेमेटिक यूनिवर्स, लोकी यूनिवर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे लोकी यूनिवर्स एक डार्क एक्शन ड्रामा मूवी का एक कंप्लीट यूनिवर्स तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, जिसमें तमिल सिनेमा के बहुत सारे स्टार्स होंगे और तेलुगु और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी स्टार्स काम करेंगे जिसमें। और इसका ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है कैथी मूवी से, और रिसेंटली विक्रम मूवी भी कनेक्टेड था उस मूवी से। तो चलिए डिटेल में समझते हैं लोकी यूनिवर्स को। एक्चुअली कहानी का शुरुआत कैथी मूवी से होती है। दिल्ली नाम का एक कैरेक्टर है जो एक्चुअली एक कैदी है और बेल पे रिहा हुआ है, और पुलिस को एक कंसाइनमेंट मिलता है, ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ती है पुलिस, और उस कंसाइनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कैथी यानी दिल्ली पुलिस का मदद करता है। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। और फिर 2019 के बाद अब 2022 में विक्रम मूवी आती है, उससे भी ये स्टोरी कनेक्टेड है, जिसके बारे में लास्ट में मूवी में विक्रम मूवी में दिखाया गया है कि कैसे स्टोरी कनेक्टेड है, और बीच बीच में भी कैथी मूवी का रेफरेंस लिया गया है। वही कंसाइनमेंट जो पुलिस प्रोटेक्ट करती है गैंगस्टर्स से, उसी को आगे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसे कैसे गैंगस्टर हासिल करना चाहते हैं, और कैसे कमल हसन सर और विजय सेतुपति, फहद फासिल, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस मूवी में दिखाया गया है। स्पेशली कमल हसन सर के कैरेक्टर के लिए उन्हीं के मूवी से रेफरेंस लिया गया है, जो कि 1986 में रिलीज हुआ था विक्रम बोल के, उसमें उन्होंने एक स्पाई का रोल किया था। ओल्ड मूवी में कमल हसन सर ने एजेंट विक्रम का रोल प्ले किया था, जिसमें उन्हें एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट एजेंट दिखाया गया था, और उसी का रेफरेंस लेके ओल्ड मूवी में एक मिशन के फेलियर के वजह से एजेंट विक्रम के पूरे टीम और एजेंट विक्रम को मार दिया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है उस मूवी में। बट एक्चुअली एजेंट विक्रम और उनके कुछ टीम मेंबर्स अभी भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे, बस ऐसा रिप्रेजेंट किया गया था कि वो लोग मर गए थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं, वो लोग जिंदा थे और एक्टिव थे। और फिर वो वापस आते हैं 2022 में एक मिशन के साथ कि वो 2000 करोड़ का जो ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, उसे जो गैंगस्टर हासिल करना चाहते हैं, जो कि पुलिस प्रोटेक्शन में है, उसको प्रोटेक्ट करना है। एक्चुअली लोकी वर्स एक डार्क इंटेंस एक्शन थ्रिलर यूनिवर्स है, जैसा कि कैथी और विक्रम मूवी में दिखाया गया है, और दोनों ही स्टोरी आपस में कनेक्टेड हैं। ट्विस्ट ये है कि लोकी वर्स में जितनी भी मूवीज बनेगी, उनका स्टोरी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। वो विक्रम 2, कैथी 2, रोलेक्स का कैरेक्टर सूर्या ने प्ले किया है, वो उनके कैरेक्टर पे भी मूवी आएगी, तो सारा स्टोरी कनेक्टेड रहेगी। हो सकता है सीक्वल हो या प्रीक्वल हो, लेकिन मूवी से स्टोरी सारे कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्जांपल विक्रम मूवी के एंड में दिखाता है कि रोलेक्स और उसके टीम एजेंट विक्रम और दिल्ली दोनों को ढूंढ रहे हैं। सो लास्ट में जैसा कि दिखाया गया कि रोलेक्स ने अपने टीम मेंबर्स को बोला कि जो भी उसका सर काट के लाएगा उसके लिए लाइफ टाइम सेटलमेंट। सो लोकी वर्स के नेक्स्ट मूवी में रोलेक्स वर्सेस दिल्ली होगा, प्लस एजेंट विक्रम भी होंगे जो कि दिल्ली को सपोर्ट करेंगे। एट द सेम टाइम
रोलेक्स का 27 इयर्स का साम्राज्य खत्म हो गया बिकॉज ऑफ डिली एंड एजेंट विक्रम। सो ये भी एक मूवी हो सकती है कि रोलेक्स कौन था और कहां से आया था और उसका 27 इयर्स का बैकग्राउंड दिखाएगा, प्रीक्वल में दिखाएगा कि सूर्या यानी कि रोलेक्स कौन था, कैसे कैसे उसने अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश किया था और कैसे ड्रग आया इस स्टोरी में और क्या डिली और डिली एंड रोलेक्स का पहले से ही कुछ कनेक्शन है, क्या डिली का जेल जाने का रोलेक्स ही रीज़न है या दोनों एक दूसरे से परिचित हैं पहले से, या डिली जेल जाने से पहले क्या काम करता था वो भी एक स्टोरी डेवलप होता है कि डिली बिफोर गोइंग टू जेल व्हाट ही वाज, वो भी एक गैंगस्टर था जो मतलब बाद में बदल गया, उसकी पत्नी का मौत हो जाता है, बताता है मूवी में कि कैसी मूवी कि उसकी पत्नी का मौत हो जाता है प्लस उसकी बच्ची अनाथ आश्रम में पल रही है, ऐसा क्या था डिली का बैकग्राउंड जिसके वजह से वो जेल गया, कौन रीजन था डिली के जेल जाने का, क्यों गया था वो, क्या काम करता था, किस तरह का काम करता था जिसके वजह से वो जेल गया था, क्या सूर्या यानी रोलेक्स ही रीजन था दिल्ली के जेल जाने का या कुछ और स्टोरी है। तो दिल्ली का भी एक स्टोरी बनता है मूवी में, मतलब एक्चुअल कंसाइनमेंट जो 2000 करोड़ का ड्रग का कंसाइनमेंट था वो रोलेक्स का ही था, बाकी सब लोग तो रोलेक्स के लिए ही काम कर रहे थे और इसीलिए प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे, ऑफकोर्स वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सबका प्रॉफिट था उसमें, लेकिन मेन कंसाइनमेंट जो है उसका ओनर तो रोलेक्स ही था। 3/4 मूवी का स्टोरी तो इस तरह से बन रहा है, प्लस 1986 के बाद और 2022 से पहले तक एजेंट विक्रम कहाँ थे और क्या क्या किया उन्होंने, किस किस तरह का असाइनमेंट कंप्लीट किया उसके बारे में भी एक मूवी बनाया जा सकता है, ये भी एक स्टोरी डेवलप होती है। प्लस इन सब के बीच एजेंट विक्रम का ग्रैंड सन भी मतलब बड़ा हो रहा है अब US में, तो वो भी इन सब स्टोरी का पार्ट बनेगा, या हो सकता है फ्यूचर में वो भी एक एजेंट बने, वो भी एक पार्ट बने इस लोकी यूनिवर्स का बड़ा होके, कि उसके फादर को किसने मारा और मतलब क्यों मारा और कैसे क्या क्या हुआ, इन सब स्टोरीज का पार्ट बने उनका ग्रैंड सन। एट द सेम टाइम रोलेक्स और उसके आदमी भी तो जानते हैं कि एजेंट विक्रम का जो ग्रैंड सन है वो US में है अभी कहीं पे, तो उसे भी ढूंढने के लिए जाएंगे तो उसका भी मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, उसको और भी प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा फ्यूचर में, तो एजेंट विक्रम के साथ उसका कनेक्शन और दिखाया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है स्टोरी को। अब देखना ये है कि कैसे कैसे स्टोरी डेवलप होता है लोकी यूनिवर्स में, जो कि एक्चुअल लाइफ में सूर्या और कार्तिक दोनों भाई ही हैं, फर्स्ट टाइम एक ही मूवी में एक साथ काम करेंगे वो लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोग को लोकेश कनकराज का मूवी पसंद है और लोकेश कनकराज सिनेमेटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट और स्टोरी जो मैंने बताया वो आपको पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा डिटेल के लिए मेरा दूसरा चैनल भी है एक और, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल पे मैं रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और साउथ सिनेमा के लिए अगर आप लोग साउथ सिनेमा के फ़ैन हैं तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो जल्द ही आएगा।